डालो यार, वही मतदान कर पाएंगे। मतदान वही लोग कर पाएंगे जो 500 की रसीद दिखाएंगे। जो जिलेदार दियारो वर्तमान में कागज है वही करेंगे, जो सेवा लेते हैं वो नहीं करेंगे। उन निर्णय वाले प्रत्याशियों को देनी पड़ सकती है, कल वो उंगली उठा सकते हैं। हमें दिया जाना था। आज की बैठक का मेन उद्देश्य हमारा ये है कि हमारे संपर्क की 4-5 बिंदु, इसलिए हमारा वेतन विसंगति में 54 का वेतन मान, जिलेदार का वेतन मान 46.9 करके आता है। हमारा ये मेन इशू है, ये हर कीमत पे होना चाहिए। इशू पे लड़ाई हमारे संगठन की आने वाले दिनों में जब अभी तक आपने ज्ञापन कहाँ कहाँ दिया? हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन दिया, हमने माननीय मुख्य सचिव को ज्ञापन दिया, हमने विभागाध्यक्ष को ज्ञापन दिया। हमारे विभागाध्यक्ष को हमारा 3-3 बार मुख्य सचिव सिंचाई को रिकमेंड करके भेजा। हम लोग 3-3 राउंड वेतन वेतन समिति के सामने मिले, अभी हमारी स्कूल नहीं गई, हमें वेतन मान चाहिए, इसके लिए हम बहकाल होंगे। यदि आपकी मांगों को पूरा नहीं किया जर्जर है, हमारे जिलेदार डीआरओ साहब के कार्यालय क्षतिग्रस्त खराब पड़े हुए हैं, वेतन विसंगतियाँ जो बहुत लंबे समय से चल रही है, नियमावली हमारी वो पेंडिंग चली पड़ी हुई है शासन स्तर पर, ऐसी तमाम हमारी समस्याएं है, हमने एक मांग पत्र प्रस्तुत किया गया है। अगर उनका निराकरण नहीं होता है तो हम अगले आंदोलन के लिए पेश करेंगे। मैं नीरज चतुर्वेदी, हमारा 26-27 2 दिवसीय प्रांतीय अधिवेशन आज 24 से प्रेक्षा गृह में संपन्न हो रहा है, जिसमें हमारे मंदिर के कोने कोने से जिलेदार और उपराधिकारी साहबान प्रतिभाग कर रहे हैं। आज मेरे विभाग के छोटे अधिकारी कार्यक्रम में आए थे, उनके समक्ष एक चरण द्वारा पारित मार्ग किया गया है, जिसमें उन्होंने अपने स्तर की समस्याओं को निदान कराने के लिए आश्वासन दिया है, और जो उनके स्तर के लिए उनको शासन स्तर से पैरवी करा के निदान कराएंगे ऐसा उन्होंने प्रॉमिस किया है। अभी 2 बजे के बाद हम चुनाव की प्रक्रिया को रंग पड़ेंगे, लगभग 3 बजे हमारे संगठन के